तो फाइनली 10-12 हजार बार डिले होने के बाद JNU मतलब जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी ये मूवी थिएटर्स में लग चुकी है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हाय गाइस, मैं उत्तरवेश राजपूत और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ JNU का मतलब जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी का। एक तो ये मूवी इतनी बार डिले हो चुकी है और उसके बाद भी इसके इतने लिमिटेड शो लगे हैं ना, और जो शो लगे हैं वो सारे हाउसफुल चल रहे हैं, तो इस मूवी को देख पाना अपने आप में ही एक संघर्ष है। तो इस मूवी की कहानी टेक प्लेस करती है JNU में मतलब जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी में। इसका भाई उस वाले JNU से कोई लेना देना नहीं, ऐसा मूवी वाले कहते हैं। पर ये जो JNU है ना, ये मूवी में इतनी बार बीप करा गया है कि तुम्हें हर बार NU ही सुनाई देगा। मतलब अगर तुमने नाम बदल दिया था तो ऐसा क्यों करा पता नहीं, पर चलो ठीक है। दूसरी बात भाई, इस मूवी में इतने कट लग चुके हैं, मतलब डिले तो ये हुई है फिर भी इसमें इतने ज्यादा कट लग चुके हैं ना, जब तुम मूवी देखने बैठोगे समझ जाओगे कि 2 मिनट की 5 मिनट की मूवी चलती है, उसके बाद कहीं और ही स्टोरी पहुंच जाती है, क्योंकि इतनी बार डिले कर करके इस पे इतने ज्यादा कट लगाए गए हैं कि स्टोरी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गई है। अगर तुम एक बड़ी पिक्चर देखने जाओगे कि भाई पूरी स्टोरी क्या कहना चाहती है, तो तुम्हें शायद समझ भी नहीं आएगा। और ऐसा होता है ना कि मूवी स्टार्ट तो होती है एक अच्छे नोट पे, इसे प्रॉपर क्लोजर भी नहीं मिलता क्योंकि हो सकता है एंड वाले शॉट कटवा दिए गए। तो मूवी ऐसे समझ लो कि छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में है, तुम्हारे सामने छोटे छोटे टॉपिक उठाती है, बाकी आपके ऊपर छोड़ देती है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तो देखो, इस मूवी में बात करते हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर ग्रुप को आप टारगेट करके नेता बन सकते हो। मतलब कितना आसान है ना, अगर आपके दिमाग में कोई नेता आएगा जो MP या MLA का इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसने कितने लंबे समय तक उसके लिए कार्य करा होगा। ऐसा तो नहीं है कि कल किसी का मत करा मैं नेता बन जाता हूँ वो बन जाएगा, लेकिन एक आसान तरीका है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को पकड़ो और उसके पीछे पड़ जाओ, मतलब उसके हर चीज में कमी निकालने लगो, चाहे वो सही है गलत है उस बात से कोई मतलब नहीं, तुम्हें सिर्फ उसमें कमी निकालनी है, हर बात को गलत कहना है। ऐसे ही कुछ नेताओं को तुम जानते होंगे, अभी कुछ को टिकट भी मिला है, कुछ जीते भी है, तो ये एक शॉर्टकट है और इसे अपनाने में आप लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। और ये मूवी एक और दूसरे जरूरी टॉपिक पे बात करती है कि सेकुलरिज्म, कि हमें सबको सेकुलर बनना है, हमें अपने धर्म की इज्जत करनी है और दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है। लेकिन इसके भी दो तरीके हैं कि या तो आप सच में सेकुलर बन जाओ कि आप अपने धर्म को मानते हो और दूसरे वाले की भी इज्जत करते हो, आपको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो ये दिखाने में अच्छा नहीं लगेगा ना, कूल नहीं लगेगा, और कैसे पता चलेगा लोगों को, क्योंकि आप तो शांत रहोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप रोज अपने दोस्त से गले मिलोगे, उसके साथ स्टेटस डालोगे, हो सकता है कुछ लोग ऐसा करते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है, शॉर्टकट तरीका, कि अगर आपको सेकुलर दिखना है, आपको कूल दिखना है, तो हिंदुइज्म को पकड़ो और बस उसके पीछे पड़ जाओ भाई, हर एक चीज में कमी निकाल दो, जो भी हो सकता है कि तुम कलावा क्यों पहनते हो, तुम माथे पे टीका क्यों लगाते हो, और जो भी 1,000,000,000,000 चीजें हैं, मतलब हर एक चीज में आपको कमी निकालनी है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। आप क्या अपने पेरेंट्स के पैर के छूते हो, आप तो पुरानी सोच के हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, मतलब समझ रहे हो ना कि ये वाला ज्यादा आसान तरीका लगता है, क्योंकि इसके बारे में आप सोशल मीडिया पे भी आके बोल सकते हो। तो ये हमने कई बड़ी बड़ी कंपनी को भी करते हुए देखा है कि जैसे हिंदुओं के त्यौहार आते हैं, होली हो गई, दीपावली हो गई, तो इनका फिर ये शुरू हो जाता है कि देखो यार कितना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, पटाखे फोड़ने की क्या जरूरत है, या होली आ गई है तो कितना ज्यादा पानी खराब होगा, आप ये क्यों कर रहे हो, इस सब को छोड़ दो। आप ये सब करते हो तो आपको लगता है कि आप कूल बन गए हो, अब मैं सेकुलर हो गया हूँ क्योंकि मैंने इनका पीछा पकड़ लिया है, और सारे लोग यही तो करते हैं। और आज के जमाने में ये सब करना तो वैसे भी आसान है ना, कोई बात बोलो उसके पीछे एक आर्टिकल लगा दो, किसी को नहीं पढ़ना भाई, कोई नहीं पढ़ रहा उस बात को, और अगर 2-4 लोग पढ़ भी रहे हैं, नीचे जाके कमेंट कर रहे हैं, उसे जाके डिलीट कर दिया जाता है कि कोई बात नहीं, किसी को क्या ही पता चलेगा। जैसे ये आर्टिकल लग जाता है लोगों को लगता है कि भाई फैक्ट के साथ बात हो रही है। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं एक ब्लॉग लिख देता हूँ आज इंटरनेट पर, कल परसों को एक वीडियो बनाऊंगा और उस ब्लॉग का रेफरेंस लेके आपको बता दूंगा कि भाई फलाने बंदे ने ये बात कही है और देखो ये भी बंदा कह रहा है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं कि आज के जमाने में किसी को मैनिपुलेट करना खास करके सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आसान हो गया। और फिर वही बात कि जब आप इन सबका विरोध करने लगते हो कि भाई मेरे धर्म पे बात मत उठाओ, अगर तुम्हें कुछ करना है तो करो, पर मेरी फेथ पे अगर बात उठाओगे तो फिर मैं कुछ बोल दूंगा, तो इन्हें वो बात बुरी लग जाती है, ऐसे क्यों कह रहे हो भाई, हमारा मन है, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन तुम इनके वाले पे मत बोलो, ये हमारे पे बोले सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलने चाहिए, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारा संविधान हमें इस बात की अनुमति देता है, लेकिन तुम्हें नहीं देता कि तुम इनके बारे में कुछ बोलो। और इस बात पे मूवी काफी अच्छे से दिखाती भी है कि लोग अपने लिए नियमों को मोड़ तोड़ के यूज कर लेते हैं। एक बहुत अच्छा सीन इसमें दिखाया गया है, तुम समझ जाओगे, कि कुछ लोगों को एंट्री नहीं मिल रही है अंदर जाने के लिए क्योंकि टीम की परमिशन नहीं है, लेकिन जब वो अपनी पे आएंगे ना, जब तुम्हें जरूरत होगी और उन्हें अंदर आना पड़ेगा, लेकिन जब वो बोलेंगे कि भाई पहले टीम की परमिशन लेके आओ, आपके यहाँ तक गले पे चाकू रखा हुआ है, तब आपको समझ आता है कि सिर्फ आपको नियम कानून को बैंड करना नहीं आता, दूसरे लोग भी कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन वहां पे इन लोगों को बुरा लग जाता है कि यार ऐसे मत करो, देखो हम ही तो कर सकते हैं, ये तो हमारा हक है कि संविधान को सिर्फ हम मोड़ेंगे, आप मत मोड़ो, आप संविधान की रक्षा करो, आपको संविधान वैसे ही फॉलो करना है जैसे लिखा हुआ है, हम वैसे फॉलो करेंगे जैसे हमारी मर्जी है, जिस पार्ट में हमारा फायदा है वो हम फॉलो कर लेंगे, जिस पार्ट में नहीं है वो हम फॉलो नहीं कर।
और अगर अब मैं बात करता हूँ इस मूवी की कास्टिंग की, तो एक काफी लंबी कास्टिंग इन्होंने कर रखी है, तो मैं एक मोटा मोटा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमें लीड रोल में देखने को मिलते हैं सिद्धार्थ पोपड़े, उसके साथ हमें देखने को मिलती है उर्वशी रौतेला, विजय राज, नवी किशन, रश्मि देसाई, मतलब काफी लंबी स्टार कास्ट है, और पीयूष मिश्रा भी देखने को मिल जाते हैं, उनका एक गाना भी है, तो मजा आ जाता है कि भाई चार चांद लगा दिया आपने बीच में आके। और विजय राज और रवि किशन की जो कॉमिक टाइमिंग है भाई क्या ही चीज है। और रश्मि देसाई को मैंने पता नहीं आखिरी बार कोई सीरियल आता था, पता नहीं स्टार प्लस या कलर्स पे कोई, तो उसमें देखा था, और अब मैंने इन्हें बड़ी स्क्रीन पे देखा।